पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी कैनेडियन गैंगस्टर्स ने कबूल कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला को गुज़श्ता रोज जिला मानसा के गांव जवाहर के में नामालूम हमलावरों ने फायरिंग करके हलाक किया था। भारतीय मीडिया का बताना है कि नामालूम अफराद ने सिद्धू की गाड़ी पर हमला किया और 30 से ज्यादा गोलियां बरसाई थी, जिसके नतीजे में सिद्धू और गाड़ी में मौजूद दीगर दो अफराद शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। भारतीय मीडिया ने बताया कि शुबा है कि हमला गैंगवार की जानब से किया गया है, जबकि इस हवाले से डीजी पुलिस पंजाब वीके भावरा का कहना है कि लालनस नेशनल गैंग इस कत्ल में मुलव्वस है। गैंग के रुकन लकी ने कैनेडा से कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले ग्रुप का नाम विकी मडू खीरा और गिरेलाल बरार के कत्ल के सिलसिले में सामने आया था, और इसके बावजूद भी पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।